हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द डेली करंट अफेयर एनालिसिस ऑन एडिलॉजिक्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ आई है छत्तीसगढ़ से कि छत्तीसगढ़ अवार्डेड द एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020। तो यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट और जो मोबाइल एप्लीकेशन प्रिपेयर की गई थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एमबीजीएस सुराजी गाँव स्कीम और अदर फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए, इनके लिए इनको दिया गया है एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 एट द नेशनल लेवल। छत्तीसगढ़ हैज़ बीन अवार्डेड दिस ऑनर बाय द कंट्रीज प्रेस्टिजियस आईटी इंस्टीट्यूशन एलाइट्स टेक्नोमीडिया न्यू दिल्ली अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इनको आईटी इंस्टीट्यूशन एलाइट्स टेक्नोमीडिया द्वारा ये सम्मान दिया गया है। और छत्तीसगढ़ से अगर स्टैटिक की बात कर ले तो सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट आई है न्यूज़ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना से रोकथाम लगाने के लिए रोको टोको कैंपेन स्टार्ट किया है। जो भी आदमी आपको जो भी सड़क पर चलता बिना मास्क के दिखे तो उसे आप रोको, उसको टोको कि उसने मास्क क्यों नहीं लगा रखा। इस कैंपेन के अंतर्गत द स्टेट गवर्नमेंट विल टारगेट द दोज पीपल हु डू नॉट वेयर द मास्क। अंडर दिस द गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट मास्क टू द पीपल हु डू नॉट वेयर मास्क इन पब्लिक प्लेसेज एज द यूज ऑफ मास्क इज मैंडेटरी इन द ऑल पब्लिक प्लेसेज। तो इसके लिए इन्होंने एक योजना भी शुरुआत की थी, जीवन अमृत योजना, जिसके अंतर्गत क्या करते थे ये ₹11 पर मास्क इन्होंने सरकार ने परचेज किया था ₹11 पर मास्क महिलाओं को। वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च की गई थी, वुमेन्स के द्वारा ये मास्क घर पर बनाए गए थे जिससे उन्हें भी काम मिले, उन्हें भी रोज़गार मिल सके और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क मिल सके सस्ते रेट पर। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पाटिल। नेक्स्ट न्यूज़, यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो डाटा दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड स्टेट रिमेन इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव फिस्कल ईयर दैट इज 2019-20। द रिसेंटली रिलीज डाटा शोज इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू नेशंस। एज पर द डाटा द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन यूएस एंड इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 87.96 बिलियन इन 1819 टू 88.75 बिलियन। तो अराउंड यहाँ देखने को मिला 0.79 बिलियन यूएसडी का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इस फिस्कल ईयर 2019-20 में। और अगर इससे पहले की बात कर ले तो 2013-14 से लेकर 17-18 तक चाइना रहता था इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, बट पिछले दो सालों से अब यूएस है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर की बात कर ले तो पीयूष गोयल। नेक्स्ट न्यूज़ है वीज़ा पार्टनर्स विद फेडरल बैंक टू लॉन्च वीज़ा सिक्योर। वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ टाई अप किया है वीज़ा सिक्योर को लॉन्च करने के लिए। देख लेते हैं वीज़ा सिक्योर है क्या। वीज़ा सिक्योर इज़ अ मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स अ क्विकर एंड फ्रिक्शनलेस चेकआउट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। एडॉप्शन ऑफ न्यू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी विल इनेबल द बैंक टू फोकस ऑन द कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल सोल्यूशन दैट मेक ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस सीमलेस। इट इज़ अ ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम विच इज़ बिल्ड ऑन एनवोको 3DS दैट इज 3D सिक्योर 2.0 पोर्टल। एक एडिशनल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन देगा इश्यूअर्स और मर्चेंट्स के लिए एंड हैंस मेक द ई कॉमर्स मोर सिक्योर वाइल रिड्यूसिंग द कस्टमर फ्रिक्शन एट अ पॉइंट ऑफ परचेज। तो ई कॉमर्स को ज़्यादा सिक्योर बढ़ाने के लिए, ज़्यादा सिक्योरिटी का बढ़ावा देने के लिए और ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा ने पार्टनर किया है फेडरल बैंक के साथ। और MD और CEO की बात कर लें फेडरल बैंक की तो वह हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट न्यूज है अमित शाह लॉन्चेस CAPF नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो ये हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव बाय प्लांटिंग अ सैपलिंग ऑफ पीपल ट्री एट द CRPF कैंपस इन गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में इन्होंने पीपल ट्री लगाया और छत्तीसगढ़ के जो कैंपस है वहाँ पर अभी बाकी के पौधे भी लगाए जाएंगे। ऑल द CAPF विल अंडरटेक अ ड्राइव इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द कलेक्टिव टारगेट ऑफ प्लांटिंग अराउंड 1.35 करोड़ सैपलिंग्स बाय दिस मंथ। इस महीने के अंत तक लगभग 1.35 करोड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था कि इंडिया बिजनेस टाइक्यून मुकेश अंबानी ने पीछे छोड़ा है हमारे वैरन बफे को छोड़ा था पीछे इन्होंने, वैरन
बफे को इन्होंने पीछे छोड़ा था और ये 7th नंबर पर आए थे। तो कल की न्यूज़ है कि ये लैरी पेज जो गूगल के को फाउंडर हैं इनको भी पीछे छोड़कर अब मुकेश अंबानी 6th नंबर पर आ गए हैं टॉप रिचेस्ट लिस्ट में। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी वाज रैंक द 6th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बाय द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ऑन ट्यूजडे, ओवरटेकिंग गूगल को फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन हु रैंक 7th एंड 9th ऑन द लिस्ट रिस्पेक्टिवली। तो 7th पर अब आ गए हैं लैरी पेज, 9th पर हैं सर्जे ब्रिन और वैरन बफे आ गए थे 8th पर। 6th पर मुकेश अंबानी, 7th पर लैरी पेज, 8th पर वैरन बफे और 9th पर सर्जे ब्रिन। अंबानी इज ऑल्सो रिचर देन एलोन मस्क हु हैज़ टोटल नेटवर्थ ऑफ 68.8 बिलियन एंड वैरन बफे हुज नेटवर्थ इज 69.7 बिलियन। एलोन मस्क है 10th रैंक पर। पद्मश्री अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट नागिंदा संघवी पास्ट अवे। तो पद्मश्री अवार्ड विनिंग द वेटरन गुजराती जर्नलिस्ट कॉलमनिस्ट राइटर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट नागिंदा संघवी पास्ट अवे इन गुजरात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड हिम पद्मश्री अवार्ड इन ईयर 2019। तो आपको याद रखना 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ही वॉज रिनॉर्ड फॉर हिज बुक्स ऑन महात्मा गांधी, गुजरात एंड अदर सब्जेक्ट्स। नागिंदा संघवी वॉज अ टीचर एट भवंस कॉलेज अंधेरी फ्रॉम 1951 टू 1980। ही वॉज अ पर्सन विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू एनालाइज द पॉलिटिकल इवेंट्स। नेक्स्ट है, गूगल ने लॉन्च किया है 10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड इन इंडिया। तो इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी सुंदर पिचाई जी की मीटिंग हुई थी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। आफ्टर वर्चुअल मीटिंग विद पीएम मोदी, अल्फाबेट CEO सुंदर पिचाई अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन जो कि लगभग 75,000 करोड़ है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, विच विल बी यूटिलाइज इन अनदर 5 to 7 years टू डिजिटाइज दिस इंडियन इकोनॉमी। द फंड विल बी यूज टू एक्सेलरेट द गूगल्स एफर्ट थ्रू अ मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट। गूगल विल पार्टनर विद CBSE एंड प्रोवाइड द न्यू इनिशिएटिव टू डिजिटाइज द क्लासरूम। CBSE के बारे में बात कर लें तो CBSE के सेक्रेटरी हैं हमारे मनोज अहूजा। और अगर गूगल की बात कर लूँ मैं तो गूगल के CEO की बात हमने कर ली है, हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। और CEO हैं सुंदर पिचाई, यहाँ लिखा भी हुआ है सुंदर पिचाई। IAA दैट इज इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स हैज़ नेम्ड डॉक्टर के सिवन एज द रेसिपियंट ऑफ 2020 वॉन करमन अवार्ड। तो कल हमने जाते जाते सेशन में इसकी बात की थी कि जो हमारे चीफ हैं इसरो के डॉक्टर के सिवन राव, उनको सम्मानित करने के लिए अनाउंस किया गया है रेसिपियंट ऑफ 2020 वॉन करमन अवार्ड, जो कि हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू हिम इन मार्च 2021 एट पेरिस। पेरिस में सम्मानित किया जाएगा इनको 2021 में। IAA के बारे में बात कर ले तो फाउंडर है थियोडोर वॉन करमन और हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। क्वालकॉम वेंचर्स बाइज अराउंड 0.15% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर ₹730 करोड़। आपको याद रखना है कितने परसेंट और वो लगभग कितनी वैल्यू के इक्वल है, 0.15% और 730 करोड़। इन्वेस्टर नंबर 12 है, लेकिन ओवरऑल ये 13th इन्वेस्टमेंट है। ये अप्रैल ऑनवर्ड्स जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो स्टेक परचेज हो रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म के अप्रैल ऑनवर्ड्स, उसमें 13th इन्वेस्टमेंट है ये। तो US बेस्ड क्वालकॉम वेंचर्स द इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड टू इन्वेस्ट अप टू ₹730 करोड़ इन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म फॉर अराउंड 0.15% स्टेक। इट हैज़ बिकम द 12th इन्वेस्टमर ओवरऑल। ये 13th डील है जियो प्लेटफॉर्म की। इस इन्वेस्टमेंट के साथ जियो ने लगभग 1,18,318.45 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट अदर्स इन्वेस्टमेंट को दे दी है। इस टाइम रिलायंस पे है 74.76% स्टेक जियो का रिलायंस पर है और 25.24% स्टेक इन्वेस्टर्स पर है। क्वालकॉम के बारे में बात कर ले तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड एन के क्विन ली। जैक चार्ल्टन इंग्लैंड्स फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर पास्ड अवे एट 85। A member of England 1966 World Cup winning team, the Jack Charlton passed away. He was also an integral part of the Great Dawn Revival managed Leeds United side that won the 1969 league title and 1972 FA Cup. He made a club record of 773 appearances for Leeds United over a 23-year period as a player. 23 साल का इनका पूरा period था जो खेले थे, becoming one of all-time great central defenders in the game. He was awarded the Republic
मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड ऑनररी इरिश सिटीजनशिप इन 1996। तो आपको याद रखना 1996 में इरिश सिटीजनशिप दी गई थी और इंग्लैंड के प्लेयर हैं वर्ल्ड कप विनिंग जैक चार्ल्टन। एंड्रिस डूडा wins the Poland's presidential election. So Andrzej Duda has been re-elected as the president of Poland. He won the election recently in Poland after winning around 51.21% of the votes, defeating the opposition candidate, liberal Warsaw Mayor Rafał, jinko 48.79% votes mile hain. Ye presidential election ensured 3 years of uninterrupted rule by his conservative Law and Justice Party. So inki party kaun si hai? Law and Justice Party. Andrzej Duda won the Poland's presidential election in 2015. तो इससे पहले 2015 में भी यही जीते थे when he defeated the incumbent Bronislaw Komorowski. तो पोलैंड का प्रेजिडेंशियल इलेक्शन Andrzej Duda ने जीता है। रुद्रेंद्र टंडन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। तो इंडियन फॉरन सर्विस ऑफिसर रुद्रेंद्र टंडन has been appointed as the next ambassador of India to Afghanistan. He is presently serving as Indian envoy to Asian at Jakarta. He will replace Vinay Kumar. तो आपको ये याद रखना है, रिप्लेस किसे करेंगे? रिप्लेस करेंगे विनय कुमार को, जो कि पहले एम्बेसडर थे अफगानिस्तान के इंडिया से। Who has performed admirably with the withdrawal of US forces from Afghanistan after striking a deal with Taliban insurgents. और एक और न्यूज़ आई है कि इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू बांग्लादेश भी अब चेंज हुए हैं। विक्रम दोराई स्वामी को अपॉइंट किया गया है, वो भी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और करंटली सर्विंग एज एडिशनल सिक्योरिटी इन चार्ज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड समिट एट द हेडक्वार्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली। ये सक्सीड करेंगे रीवा गांगुली दास को ढाका में, और गवर्नमेंट ने वीरू पी नायर को नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया है तुर्कमेनिस्तान, और हेमंत हरिश्चंद्र को बनाया है इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू जेश रिपब्लिक। हेमंत अमीन को अपॉइंट किया गया है इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के जो चीफ थे राहुल जौहरी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। सीईओ जो राहुल जौहरी थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो उस रेजिग्नेशन के बाद हेमंत अमीन को बनाया गया है इनका इंटरिम सीईओ। और हेमंत अमीन करंटली सीओओ की पोस्ट पर हैं आईपीएल में। ही ज्वाइन द आईपीएल ऑपरेशन टीम इन जून 2010 एंड वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन 2015। गुरबख्श सिंह पलाश नांदी टू बी ऑनर्ड विद मोहन बागन रत्ना। तो इन दोनों को अकॉर्डिंग टू द ATK मोहन बागन क्लब हॉकी लेजेंड गुरबख्श सिंह एंड फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पलाश नांदी विल रिसीव दिस ईयर्स मोहन बागन रत्न। द क्लब हैज़ डिसाइडेड नॉट टू होल्ड द मोहन बागन डे फंक्शन ऑन July 29th दिस ईयर ऑन टू दिस पेंडेमिक। July 29th वॉज द डेट ऑफ बागन्स IFA शील्ड ट्राइम्फ इन 1911 व्हेन दे डिफीटेड ईस्ट यॉर्क रेजिमेंट बाय 2-1। इंडिया हैंड्स ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट टू मालदीव्स। तो इंडिया ने हैंड ओवर किया है आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइलैंड्स अक्रॉस द मालदीव्स अंडर कैश ग्रांट ऑफ $8 million। द इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट वुड इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 61 आइलैंड काउंसिल एंड फर्दर स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड चेरिश्ड आइडियल फॉर द प्रेजिडेंट इब्राहिम सोलिस गवर्नमेंट। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू मालदीवियन गवर्नमेंट हेल्दी लाइफस्टाइल पॉलिसी थ्रू ईजियर एक्सेस ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट। तो हेल्थियर लाइफस्टाइल पॉलिसी के लिए ईजियर एक्सेस दिया जाएगा इस फिटनेस इक्विपमेंट से। IIT कानपुर ने एक UV सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई है जिसका नाम दिया है इन्होंने शुद्ध, और शुद्ध की फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। इस डिवाइस में क्या है, 6 UV लाइट लगे हैं 15-15 वॉट की दैट कैन बी इंडिविजुअली मॉनिटर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। इनिशियल टेस्टिंग में ये प्रूव किया गया है कि ये डिवाइस एक 10x10 स्क्वायर फीट रूम को 15 मिनट में कम्प्लीटली सैनिटाइज कर देता है। शुड कैन असिस्ट इन किलिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एट हाईली प्रोन प्लेसेस सच एज हॉस्पिटल्स होटल मॉल ऑफिसेज एंड स्कूल्स। ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम द छाबार रेल प्रोजेक्ट। तो ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है छाबार रेल प्रोजेक्ट से, जो कि एक रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट था छाबार पोर्ट टू जाहेदन अलोंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। द ईरानियन गवर्नमेंट साइटेड द डिलेज फ्रॉम इंडियन साइड इन फंडिंग। तो रीज़न दिया गया है कि इंडियन साइड से फंडिंग में डिले हुआ जिसके कारण उन्हें इंडिया को ड्रॉप करना पड़ा इस प्रोजेक्ट से, एंड स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट फॉर डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग इंडिया फ्रॉम द प्रोजेक्ट। नाउ दिस ईरानियन रेलवे विल गो अहेड विदाउट इंडियाज असिस्टेंस एंड यूटिलाइज अराउंड $400 million फ्रॉम द ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड। और ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में। सो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।